हेलो स्टूडेंट्स, वी आर रीडिंग चैप्टर 3 मोशंस ऑफ द अर्थ ऑफ ज्योग्राफी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. हियर सम एक्टिविटीज आर गिवन, सो रीड एंड डू बाय योर सेल्फ. ओके, हियर इज द फिगर ऑफ दिस एक्टिविटी. ओके, लुक एट द फिगर 3.3. 3.3 हमने कल देखी थी, जहां पर जब अर्थ का डायरेक्शन चेंज होता है तो सीजन्स होते हैं, है ना? ठीक है, सीजन्स चेंज होते चलते हैं. तो यू विल सी दैट ऑन 21 जून द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवर्ड द सन. ओके, द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवर्ड द सन. द रेज ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ओके, सो एज अ रिजल्ट दीज एरिया रिसीव मोर हीट. यहाँ बताया जा रहा है कि 21 जून में नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, अर्थ जो है नॉर्थर्न स्फीयर हेमिस्फीयर की ओर टिल्ट होती है, ठीक है, घूमती है. सॉरी, अर्थ का जो नॉर्थ साइड का पार्ट होता है, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर जो है वो सन की तरफ टिल्ट होती है, ठीक है. तो सन की जो रेस हैं डायरेक्ट नॉर्थर्न हेमिस्फीयर पर पड़ती हैं और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पड़ती हैं. तो रिजल्ट क्या होता है कि ये बहुत ज्यादा हीट रिसीव करती हैं, है ना. और वहां के जो एरियाज हैं, जो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर वहां का जो पोल होगा, उस पोल के आसपास की जो एरियाज हैं वो वहां पर क्या होगा, कम हीट पहुंचेगी, ठीक है. सो सन की जो रेज हैं वहां पर क्या हो जाए, क्या हो जाती है, स्लेंट हो जाती है, मतलब टेढ़ी हो जाती है, है ना. और आर्कटिक सर्कल का जो एरिया है, आर्कटिक सर्कल का एरिया, वहां पर 6 मंथ तक डे लाइट मतलब कंटिन्यूअस चलता रहता है ना. और नॉर्थर्न हेमिस्फीयर का जो बड़ा पोर्शन होता है उसमें सन के द्वारा लाइट मिलती रहती है ना. तो ये जो है, इट इज द समर इन द रीजन नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर. तो वहां पर उस समय क्या होती है, समर का सीजन होता है ना. इक्वेटर के नॉर्थ साइड जो है वो समर का सीजन होता है. और लॉन्गेस्ट डे और शॉर्टेस्ट नाइट है ना, इन प्लेसेस पर होती है. 20 होती है, दीज प्लेसेस में होती है, और 21 जून तक होती है, ठीक है. फिर इस टाइम में क्या होता है, एट दिस टाइम इन द साउथर्न हेमिस्फीयर ऑल दीज कंडीशंस आर रिवर्स्ड. तो इस टाइम में साउथर्न हेमिस्फीयर में सारी चीजें, कंडीशंस जो है वो उल्टी चलती है, ठीक. बताया कि जैसे नॉर्थ हेमिस्फीयर पर अगर सन है तो साउथ हेमिस्फीयर पर क्या होगा, डार्क एरिया कहलाएगा, वो अंधेरा रहेगा वहां पर, है ना. ये कल भी मैंने एक्सप्लेन किया था, ठीक है. तो ये पोजीशन जो है अर्थ की वो क्या कहलाती है, समर सोल्स्टिस कहलाती है, ठीक. फिर नाउ ऑन 22 दिसंबर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रिसीव डायरेक्ट रेस ऑफ द सन एज द साउथ पोल टिल्ट टुवर्ड इट. फिर क्या होता है, 22 दिसंबर में जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है वो डायरेक्ट रेस क्या करता है, रिसीव करता है सन की, है ना. जो साउथ पोल है वो टिल्ट हो जाता है उस समय. तो उस समय क्या होता है, सन की जो रेज हैं वो वर्टिकली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर पड़ती हैं, ठीक, जो कि साउथर्न हेमिस्फीयर का लार्जर पोर्शन होता है, बड़ा पोर्शन होता है. तो वो जो बड़ा पोर्शन है वो उसको लाइट मिलती है, सन की लाइट मिलती है ना. तो फिर उस समय समर होता है साउथर्न हेमिस्फीयर पर. और ये देखो 22 दिसंबर की बात हो रही है, 22 दिसंबर में अपने यहाँ क्या रहता है, ठंड रहती है, विंटर रहता है ना. तो ये दूसरे ओर की, साउथ पोल की बात हो रही है यहाँ पर, साउथर्न हेमिस्फीयर की बात हो रही है कि वहां पर समर होता है 22 दिसंबर, मतलब दिसंबर के टाइम में, ठीक है. और दिन बड़े होते हैं, ये तो पता है, समर के टाइम में डेज के जो होते हैं वो लॉन्ग होते हैं, नाइट्स शॉर्ट होती हैं, ठीक है. और ऐसा ही रिवर्स होता है नॉर्थन हेमिस्फीयर पर. तो ये जो पोजीशन होती है अर्थ की वो कहलाती है विंटर सोल्स्टिस. ओके, सो डू यू नो दैट क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन ऑस्ट्रेलिया इन द समर सीजन. तो क्या आपको पता है कि जो क्रिसमस है वो ऑस्ट्रेलिया में समर सीजन में मनाया जाता है और अपने यहाँ विंटर सीजन में होता है, ठीक है. तो ऑन 21 मार्च एंड सेप्टेम्बर 23 डायरेक्ट रेस ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर. 21 मार्च और सेप्टेम्बर 23 को
डायरेक्ट रेस पड़ती है सन की इक्वेटर पर, ठीक है। सो एट दिस पोजिशन नाइदर ऑफ द पोल इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन, सो द होल अर्थ एक्सपीरियंस इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट। तो इस समय जो होता है अर्थ हमारी जो होती है या जो पोल्स होते हैं वो टिल्टेड नहीं होते हैं। तो इस समय क्या होता है, पूरे अर्थ में इक्वल डेज होते हैं और इक्वल नाइट्स होती हैं, ठीक है। कुछ ऐसे दिन होते हैं जैसे ये 21 मार्च और 23 सितंबर की बात चल रही है ना, तो इक्वल डे होता है और इक्वल नाइट होती है। ये नहीं होता कि दिन छोटा और रात बड़ी, ठीक है। तो ये कहलाता है इक्विनोक्स, ओके। ऑन 23 सितंबर इट इज ऑटम सीजन इन द नॉर्थन एमिस्फेयर। 23 सितंबर में क्या होता है, ऑटम सीजन होता है कहाँ, नॉर्थन हेमिस्फेयर में, और स्प्रिंग सीजन होता है साउथर्न हेमिस्फेयर में, ठीक है। ऐसे ही अपोजिट केस अगर 21 मार्च का देखा जाए तो नॉर्थन हेमिस्फेयर में क्या होता है, स्प्रिंग होता है, और साउथर्न हेमिस्फेयर में ऑटम होता है। तो पूरे लेसन में आपने देखा कि डे और नाइट जो है ना चेंज होते हैं सीजन में, ठीक है। किसकी वजह से, रोटेशन और रिवोल्यूशन, अर्थ के रोटेशन और रिवोल्यूशन की वजह से, ओके। सो दिस इज योर होमवर्क, फाइंड आंसर्स, ओके।